नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं ड्रेस लेकर आई हूँ। ये भी किसी की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, किसी ने मुझको फोटो भेजी थी। ये देखो, ये 3-4 साल के बच्चे की है। और एक साइड में मैंने प्लीट्स डाले हुए हैं, ऊपर मैंने ये बनाकर अटैच किया। पीछे से बिल्कुल प्लेन है, पीछे से कुछ नहीं किया, आगे से ही पूरी यह बनी है। जो मैंने वहां से मैंने वो बनाकर लगाई हुई है, ये देखो। किसी व्यूवर से मैंने फोटो भेजी थी, तो उसकी रिक्वेस्ट में मैंने ये बनाई। चलो आज आपको ये बनाना सिखाते हैं। 3-4 साल के बच्चे की है। ये देखो, 120 फंदे डाल के मैंने सीधी उल्टी की सिलाइयां चढ़ानी है। इसमें बॉर्डर नहीं बनाना, बिल्कुल फंदे बुन के साथ ही सीधा एक उल्टा, सीधा उल्टा, इधर उल्टा, ये देखो, तो इधर से सीधा, जैसे हम सिंपल बुनते हैं सीधा उल्टा, ऐसे बुनना है। 120 फंदे डाले मैंने। सीधी उल्टी की सिलाइयां हमने 8 सिलाइयां हमने चढ़ानी है, उसके बाद हम आपको बताती हूँ क्या करना। ये देखो, मेरी 8 सिलाइयां हो गई हैं। अब हमने एक फंदा उतारा, यहाँ 2 का एक करना, ऐसे 2 का एक बुन करके, ये देखो, बाकी सिंपल बुन लेने। और लास्ट में भी हमने 2 का एक करना, सिंपल बुन लो। लास्ट में भी हमने 2 का एक कर देना। देखो, उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी। पहले हमने 8 सिलाइयां के बाद हमने यहाँ फंदा, 8 सिलाइयां बुनने के बाद एक फंदा हमने कटाया था, फिर हमने 12 सिलाइयां बुन के फिर एक फंदा ऐसे कटाएंगे। ऐसे आगे आगे आप बुन लो, थोड़ा सा आपको आगे भी दिखाती हूँ कैसे करना। अब 12 सिलाइयां डाल के अपले 8 डाली, फिर 12 डालनी, 12 डालने के बाद फिर एक फंदा दोनों तरफ से हमने कम करना। ऐसे थोड़ा बना लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने इतना बना लिया। पहले मैंने 8 सिलाइयाँ चढ़ा के एक फंदा कटाया, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 14, और फिर हमने 14 सिलाइयाँ फिर बना ली। अब क्या करना, अब हमने प्लीट्स डालने हैं, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने बुन ले, एक, 2, 3 चार 5, 6 और 7, 7 फंदे हमने ऐसे करके ऐसे पीछे की तरफ कर लेने,
आपके पास सिलाई ऐसी नहीं है, सिंपल सिलाई से भी हो सकता है। अब हमने एक फंदा यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, दो का एक कर दिया। सात फंदे हमारे कम हो गए, दो तीन चार पांच और सात, ये मैं निशान इसलिए लगाए थे कि आपको नजर आ जाए। और फिर एक दो तीन चार पांच छ और सात, सेवन फंदे करके आपने ऐसे घुमा देनी सिलाई। फिर ऐसे एक दो तीन चार पांच छः और सात, सेवन फंदे हमारे और कम हो गए। ये देखो ऐसे प्लीट से एक दो तीन चार पांच छः सात, ऐसे हमने पांच, एक दो तीन, तीन बारी हो गए। एक दो तीन चार पांच छः और सात, एक दो तीन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ऐसे सिलाई घुमाकर। एक
टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। ये देखो ऐसे प्लीट से ये मैंने छह प्लीट डाल लिया, एक दो तीन चार पाँच और छः, बाकी हमने फंदे ऐसे छोड़ दिए। ये देखो अब ये हम सिंपल ही बुन लेंगे। पूरी सिलाई डाल के उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी उल्टी सिलाई। अब हमारे पास 70 फंदे हो गए हैं ऊपर, बॉडी बनाने के लिए 70 फंदे बहुत है। पीछे से ऐसे ये देखो ये हमारे प्लीट्स पड़ गए और ये हमारा पोर्शन प्लेन है। ये पोर्शन प्लेन है और ये हमारे प्लेट्स। अब उसकी बॉडी बनाने से पहले हम एक और डिजाइन डाल ले बना लेते हैं कुछ। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बनाकर लगाना है, वो बनाते हैं। उसके लिए क्या करना, ये मैंने 32 फंदे डाले हैं, 32 फंदे डाल के मैंने एक सीधी एक उल्टी सिलाई चढ़ा ली है। अब क्या करना, पहले फंदा उतारा, ऐसे धागे को ऐसे घुमाकर आप चाहे तो सिंपल भी फंदा बढ़ा सकते हो ऐसे। एक बार आपको फिर दिखा देती हूँ, ऐसे उंगल में डाल के इसे ऐसे कमाया, ऐसे किया और यहां से ऐसे निकाल दिया और छोड़ दिया। ये फंदा बन गया। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हो, ऐसे भी, जैसे आपकी इच्छा। जो आपको समझ, एक बार फिर लगा दे दिखा देती हूँ। ऐसे धागा घुमाया, इसको पकड़ के यहाँ से लिया, ऐसे छोड़ दिया, नीचे से इसको ऐसे खींच देंगे। इधर से हमने हर सिलाई फंदा बढ़ाना है, इधर हर सिलाई हम फंदा बढ़ाएंगे और इधर हम जैसे आठ के बाद फिर दस के बाद फिर बारह के बाद एक एक फंदा कटाते जाएंगे। जैसे हमने इधर शेप बना डाली ना, ये वाली जो उन फर वाली आपको नजर नहीं आ रहा कटिंग कहाँ से फंदा कटाया, इसलिए मैंने निशान लगाया ऐसे ना, दूसरी उनमें नजर आता है, इसलिए ऐसे बिल्कुल एक एक करके ऐसे इधर भी आप कटाते जाओगे। इतना बनाना जितना ये हमारा बना है पोर्शन, इसके साथ हम फिर अटैच करेंगे।
इधर से फंदा बढ़ाना है, इधर आठ सिलाइयों के बाद एक फंदा कम करेंगे और इधर हर सिलाई में फंदा हम सीधी सिलाई में फंदा एक बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ा बना लो, फिर आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतना बन गया। चौदह सेंटीमीटर तक मैंने हर सिलाई में फंदा बढ़ाया, फिर उसके बाद मैंने चौथी चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाती गई, क्योंकि ज़्यादा फंदे रोज हर सिलाई में बढ़ाती तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाने थे। चौथी चौथी सिलाई में बढ़ाकर यहाँ तक मैंने 18 इंच आगे, 18 सेंटीमीटर मैंने आगे बना लिया। और इधर से हमने वैसे ही जैसे जैसे वो फंदे हमने कटाए थे ना, एक फिर नौ, पहले आठ में, फिर बारह में, फिर सोलह में, ऐसे ऐसे इधर भी हम फंदा एक एक कटाते गए। अब हम इसके साथ जोड़ देंगे, ये देखो ऐसे आ जाएगा। पहले फंदे थोड़े बुन लें, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। जो 18 फंदे मैंने बुन लिए और 52 फंदे हमारे ये है, 52 फंदे हमारे ये है, 26 जोड़ 52 फंदे, दोनों को ऐसे हम मिला देंगे। इस धागे को ही साथ साथ ले जाते हैं, दोनों तरफ से एक फंदा उठाकर ऐसे आप पूरा दोनों तरफ से इसके साथ इसको अटैच कर देते हैं। ऐसे पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारा ऐसे पूरा तैयार हो गया है। अब ऊपर हमने बॉडी बनानी है इसकी। आपको सारे प्लीट नजर आएंगे ऐसे। अब हमने ये बना लिया, अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी आएगी। ये हमारे 70 फंदे हो गए। अब 70 फंदे हमने बॉडी बनानी है ऊपर, सिंपल सीधी उल्टी की। थोड़ा सा बनाकर फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इतनी बॉडी बना ली।
12 सेंटीमीटर मैंने बनाकर देखो इतनी बनाई अभी मैंने। अब इसकी हम कटिंग करेंगे 3 2 1 की। पहला फंदा उतारा, दूसरा भी उतारा, 1 2 और 3। तीन दो एक की हम कटिंग करेंगे। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले सिलाई पूरी ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, उल्टी सिलाई। ये फंदा उतारा था ऐसे, दूसरा फंदा उतारा, 1 2 और 3। बाकी सिलाई सारी उल्टी। फंदा ऐसे ही उतार लेना। ये फंदा उतारा हुआ, दूसरा भी उतारा, 1 और 2। पूरी सिलाई सीधी। इधर भी 2 का 1 कर लेंगे। देखो पहले 3 किए, फिर 2 किए, अब 1। अब 1 हमने, 1 इधर भी आप 1, इधर 3 2 1 की हो गई, इधर भी 3 2 1 की। अब थोड़ा सा आगे बनाकर फिर आपको मैं गले की कटिंग करना दिखाती हूँ। थोड़ा सा आगे बुन लो। कटिंग हमारी पूरी हो गई, बस इधर हमने 1 कटिंग करनी है, बाकी थोड़ा सा इतना सा बनाकर फिर आपको आगे दिखाती हूँ। देखो इतना मैंने बना लिया, अब हम गले की कटिंग करेंगे। दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सोलह फंदे हम रख लेंगे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी इतने रख के बाकी बीच वाले फंदे हम कटिंग कर देंगे। एक, 2। सारे बीच वाले दोनों तरफ से हमने 16 16 फंदे रख लेंगे। बाकी बीच जितने बचेंगे सारे बंद कर देंगे।
इधर ही हमारे 16 फंदे आ गए। देखो बीच वाले हमारे फंदे हमने कटा दिए, अब ये 16 फंदे ही हम बुनेंगे। सीधी उल्टी सिलाई थोड़ा बुन लेंगे, बुन के आपको मैं दिखाती हूँ। फिर ये देखो मैंने इतना पूरा इसका बन गया हिस्सा, अब इसे हम बंद कर देंगे। सिंपल जैसे बंद करते हैं हम। इसी तरह हम इधर वाला हिस्सा भी बुन लेंगे। फिर हमारा ये पूरा बॉडी तैयार हो गई। पूरा तैयार हो गया इस तरह, ये भी बुन लेंगे। अब हम बनाएंगे जैसे मैंने ये बनाया, बिल्कुल ऐसा ही हमने इधर वाला हिस्सा बना लेना। अब हम पीछे वाला हिस्सा, ये देखो पीछे वाले हिस्से में मैंने 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डाल के जैसे मैंने उधर यहाँ कटिंग की थी ना हमने एक एक फंदा, पहले यहाँ 8 सिलाइयों के बाद फिर 10, 12, 10 जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे बिल्कुल ना दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कटिंग करते जाना। 80 फंदे डाले थे मैंने, ऊपर मैंने 70 फंदे, पांच बारी हम फंदे कटिंग करेंगे तो हमारे पूरे फंदे 70 फंदे हो जाएंगे। 80 फंदे डाल के ना पहले 8 सिलाइयों के बाद फिर 10 फिर 14 फिर 16 ऐसे करके हमने दोनों तरफ से एक फंदा कटाते जाना है। ऊपर आके जब हम उसके बराबर का हिस्से का हो जाएगा ना तो फिर हमने ऊपर इसकी बॉडी बनानी, इसके हमने पीट नहीं डालने। जैसे हमने आगे वाला हिस्सा बनाया ना सेम वैसे बॉडी बना के उसकी उतना हिस्सा बना के ऊपर कटिंग करके ऐसे बनाना। ये हमने ये मैंने दस सेंटीमीटर मैंने ये बनाया, मैंने गले के ऊपर 10 सेंटीमीटर बना के गला छोड़ा है। इसी तरह आप पीछे वाला हिस्सा भी बना लेना, फिर आपको आगे मैं दिखाती हूँ क्या करना है। ये देखो पीछे वाला हिस्सा भी पूरा बन गया, बिल्कुल सिंपल है। देखो जहाँ नीचे शुरू करके जहाँ से हमने एक एक फंदा दोनों तरफ से कटाते गए, इसकी शेप जो बनी बिल्कुल सिंपल है। अब गले की हमने जहाँ हमने मुंडे की कटिंग करके भी ऊपर तक ले गए, गले की कटिंग भी कर ली जैसे ने आगे डाली थी वैसे ही। अब यहाँ हमने बटन होल बनाने हैं,
ऐसे, ये देखो मैंने दो बना लिए, इधर भी बनाएंगे। ये दो तीन फंदे बुन के धागा आगे दो का एक, इधर भी धागा आगे फिर दो का एक, ये और दो, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। एक सीधी उल्टी और डाल लेंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। एक सीधी एक उल्टी आप डाल लो, फिर हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसको बंद कर देते हैं। पीछे वाले हिस्से में अपने बटन होल बनाने हैं। ऐसे आप पूरे बंद कर देंगे। ये पूरा बन के तैयार हो गया। अब हम दोनों तरफ से स्टिचिंग कर देंगे। अब हम बनाएंगे एक, मैंने 10 स्टिच डाले हैं, 10 फंदे डाल के एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा। उल्टी सिलाई, उल्टा, और जो हमने उधर उल्टा बुना था इधर हमारा सीधा हो जाएगा।
जो इधर सीधा बुना था वो हमने उल्टा कर देना, आएगा सीधा उल्टा ही, बस उल्टे ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा। जो हम बना रहे हैं वो उसके ऊपर थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए, ऐसे आप थोड़ा सा बना लो, फिर आके आपको दिखाती हूँ कैसे बनानी है। ये देखो पूरा बन के तैयार हो गई। ये मैंने थोड़ा सा क्रोशे के साथ इसकी आउटलाइनिंग दे दी। ये देखो जहाँ हम बटन लगा देंगे ऐसे बटन आ जाएंगे। अब जहाँ हम इसकी बो बनाकर, ये देखो ये बनाकर मैंने सोलह सेंटीमीटर मैंने बनाई है। देखो अब इसको हम ऐसे स्टिच कर देंगे। ये देखो इसको सेंटर में कर लेना, फिर यहाँ पे लगा देंगे, जहाँ मैंने पूरी स्टिचिंग कर ली और इधर भी, जो दोनों इकट्ठे ही जोड़ने हैं दोनों। अब आपको मैं क्रोशिया सिखाती हूँ कैसे करना। सिंपल ही है, एक दो तीन बल देख के फिर वापस उसी में, देखो तीन हो गए, फिर दो कर देने, फिर एक, फिर बिना बल दिए थोड़ा सा गैप देख के फिर दो का एक, फिर एक दो और तीन, फिर बल दिया वापस उसी में, सिंगल क्रोशिया कह लो इसको, एक चेन ही देनी है। दो तीन दो का तो बड़ा बन जाएगा, छोटा छोटा डाला मैंने, एक दो, फिर थोड़ा गैप देख के एक दो तीन, फिर बल दिया वापस तीन हो गए, फिर तीन का दो,
एक, फिर थोड़ा गैप देख के दो का एक, एक दो और तीन, फिर बल दिया, दो तीन के दो कर दिए, फिर एक, फिर थोड़ा गैप देख के ऐसे बिल्कुल सिंपल है। बस आप ऐसे बनाकर और पूरी फ्रॉक आपकी तैयार होगी। यहाँ हम बो लगा देंगे, ऐसे प्लीट आ जाएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपके लाइक और कमेंट्स देना भी मत भूलना।